वेलकम टू इंडियन ब्यूटी चैनल एंड आज हम बना रहे हैं टेंडर कोकोनट आइसक्रीम। ओके सो देखिए इसके इंग्रेडिएंट। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं टेंडर कोकोनट आइसक्रीम और ये है उसके इंग्रेडिएंट्स। सो लेट्स गो। और मैं इसका मेजरमेंट के साथ में आपको इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। मैंने इंग्रेडिएंट्स मेजर के लिए ये मेजरमेंट कप लिया है। ये मेरा 1 कप है। सो मैंने 1 कप लिया है मिल्क, देन 1/2 कप मैंने लिया है शुगर, एंड 1/2 कप जो है ये मेरा व्हिप क्रीम है जो हमें आइसिंग के लिए यूज होता है, वही केक के आइसिंग के लिए जो वही हमने क्रीम लिया है, व्हिप क्रीम 1/2 कप, एंड चॉप्ड टेंडर कोकोनट है ये भी हमारा 1 कप है, एंड मैंने लिया है 1/2 कप ऑफ मिल्क पाउडर। ओके सो सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे और इस बाउल में जो हमारी क्रीम है इसको डालेंगे और इसे व्हिप्ड करेंगे। ओके पाउडर एंड शुगर, इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को इसमें ऐड करेंगे। ये हमारा शुगर है एंड मिल्क पाउडर, और इन दोनों को मिक्स करने के बाद में एक साथ इसे फिटेंगे। मिल्क टेंडर कोकोनट, ये हमारा 1 कप मिल्क, टेंडर कोकोनट। ये देखिए, ये मैंने फेट लिया है और अब मैं इसे सेट करने के लिए एक प्लास्टिक के बॉक्स में डालूंगी। इसे अब हम सेट करने के लिए एक पॉट में रखेंगे। इसे हमें 4 to 5 hours के लिए, आपके फ्रिज के टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, बट ऑलमोस्ट 4 to 5 hours के अंदर में ये सेट हो जाता है। अब हम इसे 4 to 5 hours के लिए फ्रिज में सेट करेंगे। ये सब मत दिखा, ये देखिए 5 hours के बाद में हमारी आइसक्रीम से जम के रेडी हो गई है और आपको उसकी लेयर्स भी दिख रही होंगी। ये देखिए, मैंने थोड़ी सी आइसक्रीम अभी जस्ट निकाली है, आपको निकाल के दिखाती हूँ।